Are you sure हमारी टीम बहुत अच्छा खेल रही है? हम तीनों मैच हार चुके हैं. अभी जो है मैच होने वाला है आज, हाँ, मैच है, क्या कहना चाहेंगे? आज होपफुली हम जीत जाए, यही प्रे कर रहे हैं. पर हमारी टीम मोस्ट एंटरटेनिंग टीम है पूरे बीसीएल की. हाँ. मुझे लगता है सबसे हाईएस्ट टीआरपी हमारी टीम ही देगी. एग्जैक्टली. और प्लेयर्स तो पता नहीं, पर एंटरटेनर्स बहुत अच्छे अच्छे हैं हमारे पास. बट फिर भी हम बहुत अच्छे रन लेते हैं. हर मैच में हमने 100 से ऊपर ही रन बनाए हैं. ऊपर बनाए हैं. इतनी कमजोर भी नहीं है बेचारी. पर वही बात है, जिसकी गाड़ी रेत में उल्लू उसका नाम. तो आज जो है फोटोशूट होने वाला है, कितना एक्साइटेड है और क्या कुछ होने वाला है, थोड़ा सा अगर हमारी ऑडियंस को बताना. फोटोशूट ये तो अभी हमें आपसे ही पता चला चल रहा है, पर अगर होने वाला है तो ऑब्वियसली फोटोशूट तो हमेशा एक्साइटिंग ही होता है. सो लेट्स सी क्या होने वाला है फोटोशूट में. और आप दोनों का इंडियन क्रिकेट टीम में से कौन सा ऐसा फील्डर है जो आपका दोनों का फेवरेट है? फील्डर तो पता नहीं, पर प्लेयर तो विराट कोहली. सेम, विराट कोहली ऑलवेज. और ऐसा भी कहा जाता है कि आप दोनों को विराट और अनुष्का से कंपेयर किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे एज अ कपल? देखो, शायद इस टाइम के हम मोस्ट ट्रेंडिंग कपल हम ही हैं, तो डेफिनेटली कंपैरिजन तो होता ही है. विराट एंड अनुष्का इज वन ऑफ द बेस्ट कपल जो कि मुझे बहुत पसंद है आज तक के, जिनकी अभी रिसेंटली शादी भी हुई है. बहुत रेयर कपल्स होते हैं ऐसे जिनकी इतनी जल्दी रिलेशन के बाद शादी भी होती है. सो आई लव देम. और अगर हमें उनसे कंपेयर कर रहे हैं सो आई थिंक लाइक इट. या नथिंग लाइक इट. किस्मत है उनकी, किस्मत है, चल रही है. मैंने देखा है वो क्लिप जो कोई महान चीज तो बड़ी है नहीं. आंख मार दूं, मैं भी मार सकता हूं. आंख मारने में क्या है, आप भी मार सकते हो. आई चैलेंज जो उनका सीन था क्या था वो, मैंने उस पर इतना तवज्जो नहीं दिया. इन्होंने तो देख ही नहीं है वो वीडियो. आई थिंक एक आंख मार के ऐसे ही किया था. तो पर इसमें क्या हुआ, उन्होंने एक आंख मारी है. मैंने बिग बॉस के घर में 500 आंखें मारी हैं, वो तो कुछ हुआ नहीं. बट आई थिंक ये उनकी किस्मत है अच्छी जो एकदम से वायरल हो गई है. वो बहुत अच्छा है उनके लिए, उनके करियर के लिए. बिकॉज आई थिंक 2 मिलियन से सीधा 4 मिलियन या 3.8 मिलियन तक पहुँच गए उनका इंस्टाग्राम. आई होप वो इसको मेंटेन कर पाए. या और आगे जाए. एक्ट्रेस तो वो पहले से थी आई थिंक, बट एकदम से अभी वायरल हुई है तो बहुत ज्यादा नोन हो चुकी है. सो इट्स गुड फॉर हर. रीजन क्या है आपकी टीम को ना जीतने? हम इतने बड़े एंटरटेनर हैं कि हम एंटरटेनमेंट में ही सब कुछ भूल जाते हैं. हम तो भूल ही जाते हैं कि यहाँ क्रिकेट भी चल रहा है. तो मस्ती मजाक. राखी हमारे टीम के हारने का कारण है सबसे बड़ा. हाँ. राखी इतने मजे करवाती है कि हम सब भूल जाते हैं. वो दूसरों के छक्कों पे जाके डांस करती है. हाँ. तो बस ये हमारी टीम का ध्यान ही चला जाता है उधर. राखी ने जो अंपायर के साथ काफी फ्लर्ट किया लास्ट टाइम, क्या कहना चाहेंगे? आप खड़े हो जाओ, राखी आपके साथ फ्लर्ट कर लेंगे. अंपायर क्या चीज है. तो राखी और फ्लर्ट ये तो दोनों साथ साथ चलते हैं. और एंटरटेनर है, जैसे भी उनको लगता है कि ऐसे एंटरटेनमेंट हो जाएगी तो वो ऐसे कर लेती है. एंड शी इज वेरी गुड एट इट. या बहुत अच्छी है अपने काम में. हमें बहुत पसंद है वो. और हम बहुत खुश है कि हमारी टीम में है. चलो जीत नहीं रहे तो कम से कम एंटरटेनमेंट तो हो रही है. वो हमें एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं होने देती. शी इज सो एंटरटेनिंग. चीयर्स. थैंक यू. थैंक्स. मेरी वीडियो देखना, उससे बहुत खतरनाक है.